स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। मैं यदा कदा का क्या मतलब है? हिंदी और उर्दू बहुत अच्छी तरह रम गई है, जिसको हम कहते हैं कभी कभी। कभी शब्द उर्दू है, यदा कदा का मतलब है कभी कभी। यदा कदा मैं एक बात का उल्लेख करता हूँ, सुरती का। ये सुरती एक लाजवाब चीज है। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग खोजे बनमाह, ऐसे घटकर साइयां मूर्ख जानत ना है। मृगा की नाभि में कस्तूरी है, लेकिन कस्तूरी प्रकट नहीं है, दिखती नहीं है। तिलों में तेल है, दिखता नहीं। इस तरह इंसान में साहिब है, इंसान नहीं जानता। अब साहिब यहां एक शब्द कह रहे हैं, सब घट व्यापक साइयां, सब में परमात्मा है। सब घट व्यापक साइयां, सुनी सेज न कोई, कोई ऐसी आत्मा नहीं जिसमें साहिब नहीं। अब यह रहस्य समझना है। बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट हुए, बलिहारी उसकी है जिसने जिसमें प्रगट हो चुका है। अब गोस्वामी जी रामायण में एक बात कह रहे हैं, कहत कठिन, परमात्मा के स्वरूप का बोलना कठिन, समझत कठिन, समझना भी मुश्किल है। देखा, कहत कठिन समझत कठिन, साधन कठिन विवेक, उसको साधना भी कठिन। होत घुनक्षर शब्द का जो प्रत्यु अनेक, कभी कभी हम शब्दों को रन का इंग्लिश में 400 कुछ मीनिंग है, इस तरह शब्दों के अनंत भाव आ जाते हैं, इसलिए शब्दों में नहीं आता है। जैसे मैं अक्सर एक बात कहता हूं, कुछ लोग तथ्य जानते हैं, जब वो व्यक्त करते हैं, बोलते हैं, तो बात का बतंगड़ बन जाता है। इस तरह साहब भी कह रहे हैं, कहा कहूं कुछ कहा न जाए, इतनी सक्षम कविवर कविराज, इतना शब्दकोश श्रम शक्तिमान, वो क्या बोल रहे हैं, कहा कहूं कुछ कहा न जाए, क्या करूं, कहा ही नहीं जाता है। इसका मतलब है वाणी से परे हैं, इसलिए अनर्वर्षणीय, वर्णन में नहीं आता। अनीय, अनुपम, अकह आदि शब्दों से उसे अलंकृत किया है। कहे कबीर ये सैन गुंगतणी, होए गुंग तो समझ आए, जो पहुंचा जानेगा भाई, कहन सुनन से न्यारा है। वाह, अलंकार कितने सुंदर हैं उनके पास, कह रहे हैं वो कहने सुनने से परे हैं, जो पहुंचा जानेगा भाई। कहे कबीर ये सैन गुंगे तणी, क्या भावार्थ है, गुंगा अपनी बात बोलता है, करता है, लेकिन इशारे भी दे रहा है। बस उस वाणी के साथ जो उसका इशारा है, वो वाणी तो उसकी क्लियर नहीं है, तो शोर मचा देगा।
इस तरह हम सब वाणी में बोलना चाह रहे हैं, आता नहीं है, ठीक है। कहे कबीर ये सैन गुंगतणी होए गुंग तो समझ आए, पर गुंगे के हाव भाव जो हैं उससे समझ में आता है। इसलिए परम पुरुष का वर्णन नहीं है, लेकिन एक वक्ता जब अपने अंतःकरण से बोल रहा है उसकी एक्यूरेसी से उसका थोड़ा अंदाज लग जाएगा। साहब का भाषा पर पूरा अधिकार था। बुद्धिमान क्या है? इंटेलिजेंट बुद्धिमान किसको कहते हैं? वो तो वाक्य चारुता है। हाँ वो तो एक है ही है, तुमने मेरा शब्द दोहरा दिया, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं कर रहा हूँ। जिसको दोहरा आता है वो कभी बुद्धिमान नहीं होता है, तुम मानते हो क्या? जिसको दोहरा आता है वो बुद्धिमान नहीं होता है। क्यों? दोहरे के समय जो जिंगलमेंट होती है उससे चित की कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं। कितनी? दोहरा आने के बाद आदमी गिर जाता है, कितना अचेत हो जाता है, बड़ी हाई शिवरिंग करता है, गिर पड़ता है, उसके बाद उठ के पहले क्या देखता है? आदमियों की तरफ पहले देखता है, चरो जमीन कहाँ हूँ, क्षण मात्र में ऐसा क्या हो गया, इतना भूल गया। पहले ये प्रयास करता है कहाँ हूँ। दूसरा, लोगों को देखता है, पहचानने की कोशिश करता है। तुम्हारे साथ ऐसा होता है क्या? दोहरा आता है ना, बेहोश हो जाते हो ना, अनकॉन्शियस हो जाते हो, शिवरिंग करते हो, तो होता होगा ये, ठीक है। शाबाश, सुनो ऐसा क्या हुआ। दरअसल ये शिवरिंग मस्तिष्क की कोशिकाओं में होता है, इसके कारण से पूरी बॉडी क्यों करती है, इवन जीभ कट जाती है, मुंह के बल गिर जाता है। जो हमारी मेमोरी की कोशिकाएं जैसे जंप लगाने से दिमाग पर असर पड़ता है ना, इसलिए आर्मी में कहते हैं एडी पर कभी जंप नहीं लगाना। क्रिकेट में जो प्लेयर्स का कैच छूटता है वो क्यों होता है? उसकी गलती से होता है, उसने बाल पर पूरी नज़र नहीं रखी। अगर बाल इधर लगेगा, ये सख्त जगह है, तो उछल जाएगा, और दौड़कर अगर आया, इधर बाल लग गया, कभी कैच नहीं होगा, क्योंकि बॉडी का बैलेंस भी नहीं होगा। उस समय उसे फिंगर्स पर लेना है और हाथ चौड़ा करना है, और हाथ अपनी तरफ खींचना है। कोच है समझाते, अगर इधर बाल लगा तो जंपिंग खाएगा, और दौड़ के आया, अपना बैलेंस भी बनाना है, कैच ड्रॉप हो जाएगा। जो चीज़ कहन सुनन से नहीं आ रहा है दूसरे को कैसे समझाएं? इसलिए साहब क्या कह रहे हैं, कहे कबीर ये सैन गुंगे तणी, यहाँ तणी का मतलब है की तरह। साहब ने कई भाषाएं हैं, कहे कबीर ये सैन गुंगे तणी, ये परम पुरुष का इशारा गुंगे के इशारे की तरह है, होए गुंग तो समझ आए। अब साहब क्या करें, कोटिन जिभ्या मुख में होई, कोट सहस्त्र जाए बिगोई, पुरुष रूप वर्णन नहीं जाए। कह रहे धर्मदास, अगर कोटिन सहस्त्र हजारों करोड़ जीभें भी हो, करोड़ों युग उसकी व्याख्या बोलना चाहे तभी भी नहीं बोला जा सकता, बात खत्म है ना। आगे फिर कहें, जो पहुंचा जाने का भाई, कहन सुनन से न्यारा है, वो वाणी में नहीं आएगा, पर है कहाँ, बिंद समाना सिंध में, यह जाने सबको है,
बिंद समाना सिंधु में, यह जाने हर कोई, पर सिंधु समाना बिंद में, ये जाने बिरला कोई। कह रहे समुद्र में तो बिंद समा जाती है, ये तो सब देख रहे हैं, लेकिन बूंद में समुद्र है ये कोई कोई जानता है, क्योंकि बूंदों के समूह से ही समुद्र है, यानी समुद्र एक बूंद है। विश्व अति सूक्ष्म एक अणु है, कई अणुओं का समूह ही विश्व है। ये इसलिए वैज्ञानिक परमाणु को ढूंढ रहे हैं। कोई भी चीज़ यहाँ संयुक्त नहीं है, असेंबल की हुई है, इसमें अनंत अणु हैं, यानी कुछ चीज़ ऐसे नहीं है कि कंप्लीट नेचुरल नहीं, सब अणुओं का सहयोग है, पर कुछ ऐसे केमिकल है इसमें अणु हैं पर दिख नहीं रहे अणु, ये अणुओं का समूह है, पूरा ब्रह्मांड ही अणुओं का समूह है, वैज्ञानिक तथ्य है। मैंने कहा इसलिए बुद्धिमान की पहचान है। चार, पहला जिसकी मेमोरी ठीक है। आप जब स्कूल में परीक्षाएं देते हैं तो आपकी मेमोरी का ही तो एग्ज़ाम हो रहा है, मैन मैटर कौन कर रहा है, मेमोरी। दूसरा है बुद्धि। बुद्धि क्या है, बुद्धि को की संज्ञा धातु क्या है, बुद्धि का निर्णय लेने की क्षमता, फैसला लेने की ताकत। तीसरा मन, वो क्या है, संकल्प शक्ति, कि इसके संकल्प में दृढ़ता और परिपक्वता कितनी है। सिर्फ यूं कहे मैं संकल्प किया दारा सिंह हो गया, नहीं ये संकल्प नहीं है, दारा सिंह बनने के लिए संकल्प के साथ एक्टिविटी भी करनी है ना, तभी तो होगा ना। चौथा है एक्टिविटी, अहंकार क्रिया, वो इतनी फास्ट क्रिया भी करे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये घमंड नहीं, इंटेलिजेंट वो है जिसकी चारों चीज़ फास्ट है, ठीक है, ब्रेन, एक्टिविटी, डिसीजन लेने की ताकत और दृढ़ संकल्पता, तो वो इंटेलिजेंट है। जिसको दोहरा था कभी इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, ब्रेन शिवरिंग करता है। ब्रह्मा सहस्त्र मुख गुण गाए, बोलत बोलत जन्म जन्म सराय, ब्रह्मा कोटि जन्म सहस्त्रों मुख से बोलता रहे पूरी जिंदगी खत्म कर दे तभी भी नहीं बोल पाएगा, फिर ये कैसे है। अब कहन सुनन से नहीं आ रहे हैं, क्यों, हम जो कहते और सुनते हैं ये फाइव एलिमेंट्स हैं। मैं बोल रहा हूँ तो वायु और पृथ्वी तत्व का खेल है, जो आप सुन रहे हैं ये भी वायु और पृथ्वी तत्व, पर्दे से आवाज़ टकरा रही वो जाकर के गुंजन ब्रेन में पहुँचते हैं, वो कोशिकाएं फिर डिकोड कर रही है, उधर ये शब्द नहीं पहुँचे, इसी यही सिस्टम से आपका टेलीफोन बना, वहाँ वेव्स आ रही है और आपके फोन में सिस्टम है उसको डिकोड करके साउंड में कन्वर्ट कर रहा है। इस तरह जो मैं बोल रहा हूँ ये आप, मेरी सिर्फ एक साउंड आ रही है, आपका ब्रेन डिकोड कर रहा है, कितना फास्ट काम हो रहा है, विद इन ए माइक्रो सेकेंड। पर आप याद रखना, मेरे मुंह से निकला हुआ आवाज़ आपके पास देर से आ रहा है, आवाज़ की स्पीड है 2700 फीट इन है सेकंड, इसका मतलब है चाहे माइक्रो सेकंड भी लगा मेरे मुंह से निकला शब्द वहां पहुंचने में टाइम लगा, आपके समझने में भी टाइम लगा, पर ये कंटिन्यूटी बन जाती है। तो साहब क्या कह रहे हैं वहां, सैन बेन को समझे, जो तथ्य को बॉडी लोंगे से समझे गूंगे की तरह, तासे कहिए था उससे कहना तब थोड़ा समझा पाओगे, सैन बैन समझे नहीं तासे कहो बलाय, उसको नहीं बोलना वो समझेगा ही नहीं। कोटन ब्रह्मा गए सराई, अव्यक्त की गत काहू न पाई, देखो क्या है,
कह रहे करोड़ों ब्रह्मा जी सराय समाप्त हो। अभिगत जो विगत नहीं कि गतता हो न पाई। अब कुछ लोगों ने साहब को क्यों मुसलमान और अलग थलग किया, क्योंकि जिन चीज़ों को इष्ट मान रहे थे साहब ने कहा यह सब काल के दायरे में, यहाँ कंट्रडिक्शन हुई थी ना, पर उन्होंने विचार नहीं किया कि इस वाणी में देखें कि कुछ हकीकत भी है कि नहीं, वो उस तरफ नहीं गए। बस उन्होंने एक ही नेगेटिव थिंग रखा, ये आदमी निंदक है। मैंने बता दिया ना साहब के विरोध का कारण क्या है, मैं तथ्य को कैसे टच करता हूँ। कोटिन ब्रह्मा पृथ्वी लाने, हाँ यानी मिट्टी में मिल जाना, ये कितना कठिन बोला। रियल है जो भी चीज़ फिजिकल है पहले वो है, तो ये मिट्टी बन जाएगा, मिट्टी पानी में लय हो जाएगी। साहब गलत नहीं बोल रहे कुछ भी। कोटिन विष्णु गए सराई, फिर के पृथ्वी लाई, कोटिन रुद्र देह दल लीना, अस्थिर हो जगत सुचीना, कोटिन इंद्र अवतार जो लीना, अभिगत पुरुष काहू नहीं छीना। अब ये तथ्य सबको झकोरेगा नहीं, झकोर देगा कि नहीं। अब यहां पॉजिटिव सोच क्या है कि अगर वो इससे आगे की कोई बात करे हम चिंतन करें ना। अब लोगों की क्या इंटरेस्ट थी, उनको ईश्वर में इंटरेस्ट नहीं थी, इस सब चीज को उन्होंने बिजनेस के तौर पर रखा। जब उनको लगा कि हमारे पूरे हितों को नुकसान हो रहा है वो बुरा मान गया। सनक सनंदन गण गंधर्व नर कौन चलाए, गण नॉर्मल, गंधर्व बड़े बड़े आर्टिस्ट, उसकी कौन बात करे। सनक सनंदन पाड़ न पावे, इसको पाड़ नहीं पाते। लोगों ने ये फैक्टर नहीं उठाया, सिर्फ कहा जी हमारे ब्रह्मा जी की निंदा किया, हमारे भगवान विष्णु को पीछे पड़ गया, वो तो उनके नाती है रुद्रपुत्रु। यहाँ कह रहे परम पुरुष डार है, निरंजन परम पुरुष एक मूल है, निरंजन डारा परम पुरुष जड़ है, निरंजन डारा त्रिदेवा शाखा भय, तीन देव शाखा है और पत्र भय संसारा। देखो साहब कितना इतने दोहे में कितना कुछ कह गए। तने का आधार क्या है, जड़ ना, निरंजन का आधार साहब है, आदि पुरुष मूल है, निरंजन डारा निरंजन, त्रिदेवा शाखा भय, तो डार जो डाली की लाइफ काफी है तने की, शाखा की नहीं इतनी। त्रिदेवा शाखा भय, वो एक टाइम पर खत्म हो जाती है, शाखाएं सूख जाती है। पत्र भय संसारा, और संसार के लोग पत्ते की तरह गिरते रहते हैं, रुते आती है, बदलती हैं, गिर जाते हैं, गिर पहुँचना मुश्किल होता है ना, और पत्ते की लाइफ कम है, इस तरह इंसान की लाइफ कम है, तने की लाइफ ज़्यादा है। शाखाएं हैं लेकिन स्टेबल नहीं होती। सब परिवार जो भूले भाई, अभिगत की गति काहू न पाई, ये सब भूले हैं उसको नहीं जान पाए। भूला देख जीव दया न दया जो आई, जीव अनेक घात की हो भाई, सब भूले कोई लाग न तीरा, महादम सो आए शरीर। सब भूले कोई लाग न तीरा, सब भूले कोई पार ही नहीं हुआ, तीर कहते हैं किनारे को। देहधरी सब भर में आई, वाह। सब भूले कोई लाग न तीरा, महा अधम सो आए शरीरा। ये बहुत अधम है, गंदी हेप्टे। सभी इंद्रियां अपने अपनी तरफ दौड़ रही, जीव को चाहे नरक में जाने दो। सबको पता है बलात्कार की सजा, फांसी भी हो सकती है, उम्र कैद, फिर भी कर रहे हैं, एक क्षणिक आनंद के लिए क्या कर रहे हैं। ये शरीर की आदत, छित जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व को अधम शरीरा। साहेब आप, मैं जो जो साहेब की वाणी का रूपांतरण किया है सबको पकड़ता हूँ मैं। कैसे पकड़ता हूँ, जैसे आप पकड़ते हैं, कोई प्रीचर मेरी वाणी को लेकर के जब रूपांतरित करता है आप पकड़ लेते हैं, ऐसे मैं पकड़ता हूँ।